हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज डे जो एक्ट है उसको पढ़ेंगे, एंड पंचायती राज एक्ट में आपको बहुत आ जाएंगे, जिसमें हम पंचायती राज एक्ट ऑफ 1992 भी पढ़ेंगे एंड पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 भी पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ें वो है पंचायती राज एक्ट ऑफ 1992। तो इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज डे मनाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज डे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। पहले हम कंटेंट से शुरू करेंगे कि जैसे इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले, इवोल्यूशन पढ़ेंगे, फिर बलवंत राय मेहता कमेटीज, यानी कि पंचायती राज हम जो एक्ट है उसको बनने के लिए बहुत सारी कमेटीज ने अपनी अपनी रिकमेंडेशंस दी है तो उस गवर्नमेंट को। तो उसके बाद जो है ये एक्ट जो है वो बना था। पहली जो कमेटी थी वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 ईयर याद रखेगा, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता कमेटी 1997, जीवीके राव कमेटी 1985, अलम सिंघवी कमेटी 1986, थंगल कमेटी 1988, गैडविल कमेटी 1988। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पंचायती राज एक्ट को कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है, कैसे कैसे रिकमेंडेशंस जो थी वो दी गई थी इन सब कमेटीज के द्वारा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, वो रहेगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जिसमें हम ग्राम सभा, थ्री टायर सिस्टम, इलेक्शंस, जो उनके मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पढ़ेंगे कि सीट्स जैसे वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व की जाती है, एसटीज एससीज के लिए जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व की जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, क्योंकि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है उसका आर्टिकल है 243 से लेकर 243O तक। तो इन आर्टिकल्स में ही जो है इलेक्शन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में कहा गया है। सो इसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड 11 शेड्यूल्स पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि पंचायती राज एक्ट के बारे में बताया गया है। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ कंपल्सरी प्रोविजन एंड कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस, एंड उसके बाद पीसा एक्ट ऑफ 1996 पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 243 से लेकर 243O पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायती राज एक्ट। पंचायती राज एक्ट जो है वो सिग्निफाइज करता है कि सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि लोकल लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए। ओके, तो वो सिग्निफाइज करता है पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम इंडिया में एस्टैब्लिश किया था बहुत सारे स्टेट्स के द्वारा, बट कौन से एक्ट के, स्टेट लेजिस्लेचर वो एक्ट पास करते हैं, उस बाद जो है पंचायती राज जो सिस्टम है वो इंडियन स्टेट्स में लागू किया जाता है। ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी को बनाने के लिए पंचायती राज सिस्टम इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज सिस्टम रूरल डेवलपमेंट की बात करता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुआ था थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। अब इसकी जो कमेटीज हैं वो क्या है, जैसे फर्स्ट कमेटी अगर हम बात करें तो वो है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। अब बलवंत राय मेहता कमेटी से पहले कुछ प्रोग्राम्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बनाई गई थी, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953। अब इन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको बोला गया था कि आपने क्या करना है, रूरल डेवलपमेंट की तरफ देखना। तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी है वो अपॉइंट की गई थी, वो एग्जामिन कर रही थी कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है, क्या ये अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इन्हीं की वर्किंग को एग्जामिन करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में। बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया कि हमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, डिसेंट्रलाइज यानी कि पावर्स को डिवाइड करना चाहिए एट द रूरल लेवल, रूरल लेवल तक हमें जो है पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। इसीलिए इसको अल्टीमेटली क्या कहा जाता है, पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है। अब इन्होंने रिकमेंड क्या किया था, इन्होंने रिकमेंड किया था थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत विलेज लेवल तक, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल तक, और जिला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इन्होंने जो है रिकमेंडेशन दी थी। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि थ्री टायर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किसने बोला था, तो वो थे बलवंत राय मेहता। ओके, तो आपको याद रखना है, इनका ईयर भी याद रखना। अब जब इसकी रिकमेंडेशंस जो है, इस कमेटी की रिकमेंडेशन को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक्सेप्ट किया था 1958 में। तो पहली ऐसी स्टेट कौन थी, राजस्थान पहली ऐसी स्टेट थी जिन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया पंचायती राज सिस्टम को, नागौर डिस्ट्रिक्ट 2 अक्टूबर 1959 में। तो सेकेंड स्टेट कौन थी, आंध्र प्रदेश थी। तो आपको याद रखना है सेकेंड स्टेट आंध्र प्रदेश, एंड फर्स्ट कौन सी थी, राजस्थान, और उसका ईयर भी 2 अक्टूबर 1959 में। इसके बाद हम सेकेंड कमेटी पढ़ते हैं, वो आती है अशोक मेहता कमेटी 1977।
इन्होंने रिकमेंड किया था, ये रिकमेंड किया था टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और ये जो अपॉइंट की गई थी ये जनता गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई थी, अशोक मेहता कमेटी रिकमेंड किया था टू टायर सिस्टम, जिला परिषद और मंडल पंचायत। मंडल पंचायत यानी कि ग्रुप ऑफ विलेज, एक विलेज में अगर 5,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ पर मंडल पंचायत बन सकती है, ठीक है। अगर नहीं है तो 2-3 विलेजेस का ग्रुप बना के भी बन सकती है, बट अगर एक विलेज में 5,000 लोग हैं तो वहाँ पे एक पंचायत बनेगी जिनका नाम दिया गया था मंडल पंचायत। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या 3-टायर जो है पंचायती राज सिस्टम को बनाया था, रिकमेंड किया था, एंड 2-टायर किसने किया था, अशोक मेहता ने। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं JKSSB में, तो आपको याद रखना है 2-टायर अशोक मेहता है एंड जो 3-टायर है वो है बलवंत राय मेहता। इन्होंने टैक्सेशन के लिए कंपलसरी पावर्स बना दी गई, वीकर सेक्शंस के लिए सीट्स रिजर्वेशन की बात की और वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की गई है। थर्ड आ जाती है हमारी GVK राव कमेटी 1985, जिन्होंने रिव्यू किया कि हमें एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन बनानी चाहिए ताकि वो रूरल डेवलपमेंट पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम्स बना सके, ताकि रूरल एरियाज़ के जितने भी लोग हैं वो पॉवर्टी में ना रहे, वो गरीब ना रहे। तो रूरल डेवलपमेंट की बात की और पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात किसने की है, GVK राव कमेटी, जो करवाई थी 1985। तो ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन की बात कौन सी कमेटी के द्वारा की गई थी, तो वो GVK राव कमेटी है। फोर्थ आती है LM सिंघवी कमेटी 1986, जो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी। इन्होंने टारगेट किया कि रिवाइटलाइज करना है हमें इंस्टीट्यूशनल फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, हमें पंचायती राज जो सिस्टम है इंस्टीट्यूशन है उसमें डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट की बात करनी है, उसे ऐसा रिवाइटलाइज करना है, ऐसा प्रिपेयर करना है ताकि उसमें डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट हो। तो ये किसने बात की, रिवाइटलाइजेशन ऑफ द पंचायती राज, वो किया LM सिंघवी ने। थंगन कमेटी जो है इन्होंने बात की है, इन्होंने एग्जामिन किया है कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट में, रूरल डेवलपमेंट में कैसा होना चाहिए, ओके। सिक्स आ जाती है हमारी गैडगिल कमेटी जो 1988 की है। गैडगिल कमेटी ने कहा था कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कैसा बनाएं, हाउ बेस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैन बी इफेक्ट। इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या देना है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन सी कमेटी ने बात की थी, तो वो है हमारी गैडगिल कमेटी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड टर्म ऑफ जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं उनका टर्म कितना होगा, 5 ईयर होगा। तो ये भी किसने बात की है, ये भी गैडगिल कमेटी ने बात की है। जो भी मेंबर है पंचायती राज सिस्टम के तीनों लेवल पे, तो उनको इलेक्शन कैसे होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। तो गैडगिल कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है, स्टेट फाइनेंस कमीशन को एस्टैब्लिश करना है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिश करना है, 5 ईयर का जो है उनका टर्म रहना चाहिए एंड उसके मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट करना है। अब इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो कैसे मिला पंचायती राज को। राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस किया उन्होंने 64 कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 1989 में, उसके बाद जो राज्यसभा ने उन्होंने इस बिल को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। 1989 में नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट है वीपी सिंह के द्वारा, उन्होंने अनाउंस किया कि हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चाहिए। 1919 में 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स को चेयरमैनशिप किसकी थी, वीपी सिंह की थी, उसमें लाया गया और उन्होंने डिस्कस किया कि हमें कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ करना है ताकि वो रूरल एरिया में डेवलपमेंट ला सके। कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरसिम्हा राव, उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल लेना चाहिए स्टेटस। उसके बाद इस बिल को फाइनली अमर्ज किया गया बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एंड ये फोर्स में आया 24th of April 1993। तो इसीलिए 24th अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज डे मनाया जाता है। तो इस तरीके से कुछ जो रिकमेंडेशंस दी गई बहुत सारी कमेटीज़ के द्वारा, ये सब रिकमेंडेशंस आपको याद रखनी है। 2-टायर सिस्टम ऑफ जो पंचायती राज है वो किसने दिया है, 3-टायर किसने दिया, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। यही था हमारा जो पंचायती राज एक्ट है, इतना ही था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जो मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।